नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, हूँ महासापुरा स्कूल माथी महेश्वरी किशोर। तो विद्यार्थी मित्रों, आज आप धोरण 4 अंग्रेजी विषय में यूनिट 2 थिंक अराउंड अस नी एक्टिविटी 5 विषय अभ्यास करीशू। तो विद्यार्थी मित्रों, एक्टिविटी 5 जेमा समान रंग धरावता चित्रों तेज रंगनी स्केच पेन अथवा पेन वड़े जोड़वाना छे अने ते रंगना नाम अंग्रेजी में सामे स्केच वड़े लखवाना छे। तो आनामां जे व्हाइट कलर ने आपेला छे तेने नथी जोड़वाना, बाकी बधा कलर ने जोड़वाना छे अने जे बाजू में खाली जगह आपेली छे तेनामां तेना नाम लखवाना छे। तो सौ प्रथम ऊपर नाम लखेलुं छे GREEN ग्रीन। ग्रीन तो आपणे जोई शकीए छे पांदडू अने लींबु छे ए ग्रीन छे। तो ऊपर लींबूनी ऊपर जे खाली जगह आपेली छे तेनामां आपणे ग्रीन लखवानुं छे। त्यारबाद सूरज अने केळा, केळा एटले के बनाना, सूरज एटले के सन, येलो सूरजनी बाजूमां जे खाली जगह आपेली छे तेमां वाय ELLOW येलो एटले के पीळो लखवानो छे अने बे ने जोड़ी नाखवाना छे, पेन्सिल वाड़ी जोड़वाना छे। त्यारबाद विद्यार्थी मित्रों, आपेलो छे ब्लू कलर जेनामां एक बॉक्स छे अने एक शर्ट छे अने वादळ छे तेने जोड़वाना छे अने बाजूमां जे जगह आपेली छे तेनामां आपणे ब्लू कलर लखवानो छे। त्यारबाद आपेलो छे रेड कलर, तो एक रेड कलरनो बलून छे, पेन्सिल छे अने नीचे एक डिजाइन छे ते पण रेड कलरनी छे। ते त्रणेने जोड़वाना छे अने बलूननी बाजू में जे आपेली छे जग्या तेनामां रेड लखवानो छे अने व्हाइट ए शूजनी बाजू में लखवानो छे, जेनामां एक पण एवी वस्तुने जोड़वाना नथी। त्यारबाद ब्लेक, ब्लेक एक बेग छे, कार छे अने चादर छे, त्रणेने ब्लेक कलर छे एने नीचे लखवानो छे ब्लेक। त्यारबाद पिंक, पिंक एक कमर शूज अने फ्रॉक, ते कमरनी नीचे लखवानो छे, बाकी पेन्सिलथी जोड़वाना छे बधा, ना के कोई पण पेनथी जेथी आपणे आ भूसी पड़ शकीए। अस्तु, त्यारबाद विद्यार्थी मित्रों, एक्टिविटी 6 जेनामां अलग अलग शेप आपेला छे अने एक काव्य आपेली छे जे आपणे जोता जाशुं। अ ट्रायंगल हेज अ 3 साइड, अ ट्रायंगल एटले के त्रिकोण, 3 साइड एटले के तेनी 3 ખૂણાઓ, साइड एटले ખૂણો, 3 साइड 3 साइड એટલે કે 3 સાઈડ 3 સાઈડ જગ્યા 3 જગ્યા. અ ટ્રાયંગલ હેઝ અ 3 સાઈડ એટલે કે ટ્રાયંગલને 3 સાઈડ હોય છે. કાઉન્ટ 1 2 3, તો બે જ ગણવાનું છે, 1 2 અને 3, કાઉન્ટ 1 2 3. ત્યારબાદ આવે છે ચોરસ, ચોરસને કહીએ છીએ આપણે સ્ક્વેર. અ સ્ક્વેર હેઝ અ 4 સાઈડ, સ્ક્વેર હેઝ અ 4 સાઈડ, 4 સાઈડ 4 સાઈડ, અ સ્ક્વેર હેઝ અ 4 સાઈડ, સ્ક્વેર હેઝ અ 4 સાઈડ. ધે આર ઓલ સેમ, ધે આર ઓલ સેમ. બીજી એને આકૃતિ આપેલી છે ચોરસની જે ચારે સાઈડથી સેમ હોય છે, ત્યારબાદ આપે છે રિક્ટેંગલ. અ રિક્ટેંગલ હેઝ અ 4 સાઈડ, રિક્ટેંગલ હેઝ અ 4 સાઈડ, 4 સાઈડ્સ 4 સાઈડ, અ રિક્ટેંગલ હેઝ અ 4 સાઈડ, 2 શોર્ટ એન્ડ 2 લોંગ. રિક્ટેંગલ એટલે કે લંબચોરસ જેની 4 બાજુ હોય છે, 2 લાંબી હોય છે અને 2 ટૂંકી હોય છે. ત્યારબાદ આપેલું છે અ સર્કલ ગોઝ રાઉન્ડ એન્ડ રાઉન્ડ, અ સર્કલ ગોઝ એન્ડ રાઉન્ડ એન્ડ રાઉન્ડ, રાઉન્ડ એન્ડ રાઉન્ડ, રાઉન્ડ એન્ડ રાઉન્ડ, અ સર્કલ ગોઝ રાઉન્ડ એન્ડ રાઉન્ડ, નો બિગિનિંગ નો એન્ડ. લાસ્ટમાં આપેલો છે સર્કલ એટલે કે ગોલ, જે
ગોલ અને ગોલ હોય છે એને સર્કલની કોઈ પણ શરૂઆત નથી હોતી ના તો કોઈ એન્ડ હોય છે. થેન્ક યુ વિદ્યાર્થી મિત્રો.